चलिए अब देखते हैं आज की क्लास में बौद्ध संहितियां यानी चार बौद्ध संहितियां हुई जिसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आप मेरे साथ दोहराएंगे तो पहली बौद्ध संहिति कब हुई? 483 बीसी में। कहां पर? राजगिरी में। शासक कौन? अजातशत्रु और हर्यक वंश का शासक। ये किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। और पहले बौद्ध संहिति में क्या खास बात थी तो जानते हैं आप लोग। तीन पिटक है बौद्ध धर्म का, यानी शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसी पहले बौद्ध सम्मेलन में शुद्ध पिटक और विनय पिटक का लेखबद्ध किया गया, संकलन किया गया। दूसरा बौद्ध संहिति 383 बीसी में या वैशाली में आयोजित किया गया। और ये कौन था शासक? कालसो। पूछ दे कौन सा वंश? तो नाग वंश। और इसका अध्यक्षता सभा कामी ने किया। ध्यान देने वाली बात है इसी में बौद्ध संघ दो भागों में बटा, अस्थवी और महासंधि, और यही आगे चल के हीनयान और महायान में परिवर्तित होगा। अगला देखेंगे तीसरा बौद्ध सम्मेलन जो था वो 247 ईसा पूर्व में हुआ। ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। कौन सा वंश? तो मौर्य वंश। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने किया। और जो तीसरा पीटक है, तीसरा पीटक अभिधम्म पीटक का संकलन इसी में किया गया। चौथा बौद्ध संघ जो संगीति है वो पहली शताब्दी में किया गया और कहां पे? कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। और किसके शासनकाल? कनिष्क। कनिष्क के बारे में जानते हैं, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। और कनिष्क की है जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थक। और जानते हैं आप महायान शाखा ही जो महात्मा बुद्ध को क्या मानती है? ईश्वर मानती है। जो ईश्वर मानेगा वो मूर्ति पूजा का समर्थन करेगा। तो यानी मूर्ति कला की मथुरा शैली और गंधार कला शैली कनिष्क के समय ही आया। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया। उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष, यानी इनके दरबार में रहते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट हीनयान व महायान में बट गया चौथे बौद्ध सम्मेलन में। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हर एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप इस टॉपिक को अवश्य ध्यान में रखें, कोई भी परीक्षा हो उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगला फिर आप लोग के लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा। और इसी तरह प्रेम समर्थन बनाए रखें। धन्यवाद।